मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। टोटल 227 वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरना 22 सितंबर से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर है। एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को होगा। एडमिट कार्ड 8 दिसंबर को रिलीज़ होगा। पोस्ट वाइज ओपन पोजीशंस देख लेते हैं। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की 27 पोस्ट है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए 22 पोस्ट्स हैं। एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर के लिए 17 पोस्ट हैं। ब्लॉक ऑफिसर के लिए 16 पोस्ट हैं। डिप्यूटी तहसीलदार के लिए 3 पोस्ट हैं। एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए 3 पोस्ट हैं और म्यूनिसिपल ऑफिसर के लिए 17 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। कैंडिडेट के पास बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एज लिमिट जान लेते हैं। 1 जनवरी 2024 को मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेजेस में होगा। पहला प्री एग्ज़ाम, दूसरा मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। जो भी मध्य प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज़ है और बाकी लोगों के लिए 500 रुपीज़ है। एमपीपीएससी की सैलरी स्ट्रक्चर स्क्रीन पर दी है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जा करके अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना है। फिर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में जाना है और केयरफुली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फिर एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है और लास्ट में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट ज़रूर ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।